आज हम बनाएंगे टिफिन या फिर ट्रेवल के लिए एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जिसको आप ठंडा खाएंगे तो अच्छी लगेगी, गर्म खाएंगे तो अच्छी लगेगी, और इसके अंदर दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम है। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दाल के साथ में। एक कप मैंने यहाँ कुल्थी की दाल ली है, जिसको इंग्लिश में हॉर्स ग्रैम भी कहा जाता है, और उत्तराखंड के अंदर इसको गोहत की दाल या गहत की दाल भी कहा जाता है। आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र कई जगह पाई जाती है। इस दाल के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। इस दाल को अच्छी तरह से वॉश करना है, मतलब 2 से 3 पानी इसको अच्छी तरह से वॉश कीजिए, क्योंकि इसके अंदर तक मिट्टी फंसी रहती है कई बार। तो ये काम हमने पहले से कर लिया है। यहाँ दाल अच्छी तरह से वॉश भी करी है और लगभग 8 घंटे के लिए इसको सोक भी किया है, और दाल फूल के लगभग 3 गुना हो चुकी है। ये देखिए, ये अलग अलग कलर में पाई जाती है, कई जगह रेड भी होती है, कई जगह ब्राउनिश कलर भी होती है, अलग अलग मिट्टी का अलग अलग कलर। जिस पानी में हमने इसको सोक किया है वो पानी फेंकने वाला नहीं है, इसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको खाली पेट पियेंगे तो पथरी जैसी बीमारियाँ भी कट जाती है। एक मिक्सर ग्राइंडर लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च है, अगर आपको तीखा कम पसंद है तो इसकी बीज निकाल सकते हैं आप, 2 छोटा चम्मच जीरा, 25-30 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, और यहाँ पे हरा धनिया है डंठल के साथ में, तो ये भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा डंठल ज़्यादा डालेंगे इसके। पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा। मसाले यहाँ पे दरदरे पीस लिए हमने, पूरी तरह से पेस्ट नहीं बनना चाहिए। इसी में दाल भी ऐड कर देंगे। हमने पहले मसाले इसलिए पीसे कि सही ढंग से पीस जाएँ, अगर दाल के साथ पीसते तो उसमें कुछ दाने ऐसे ही रह जाते हैं। एक बार में पूरी दाल नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके दाल डालनी है इसके अंदर। कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है और दरदरा इसको पीसना है। कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है, लगभग 3-4 बड़े चम्मच में पानी डाल रहा हूँ यहाँ पे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो पेस्ट जैसा बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए, दाल पीस चुकी है मसालों के साथ में, बिल्कुल दरदरी पीसी है, पेस्ट जैसा मैंने बिल्कुल नहीं बनाया है इसको। अगर पेस्ट बन गया तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, जब तक मुंह में नहीं लगती है दाल तब तक मज़ा नहीं आता है, इसलिए इस दाल को हमेशा दरदरा क्रॉसली ही पीसा जाता है। दाल की ग्राइंडिंग का काम सारा हो चुका है, मतलब कि दूसरा बैच भी हमने इसमें पीस लिया है। और इस रेसिपी की सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसका टेक्स्चर। अगर दाल की ग्राइंडिंग सही ढंग से नहीं होगी तो ये सही ढंग से बनेगी भी नहीं। अब देख सकते हैं इसको, कितनी दरदरी दाल पिसी हुई है। अगर पेस्ट जैसा बन जाएगा तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, तो यहाँ पर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम है हल्दी पाउडर, सिर्फ कलर उठाने के लिए, एक बढ़िया सा कलर आ जाए, 1/4 छोटी चम्मच हींग। हींग से डाइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है, किसी भी दाल के आइटम में हींग जरूर डालें, बहुत अच्छी रहती है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। अब बनाते हैं झटपट से एक चटनी। लगभग 5 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा छोटा छोटा काट लिया है, आसानी से पिस जाएगा, 2 हरी मिर्च, 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली, कच्ची नहीं है भुनी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत डालना वरना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। ये रहा धनिया मुट्ठी भर के डंठल के साथ में, पुदीने की पत्तियाँ, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, बढ़िया सा कलर आ जाए उसके लिए 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गंधक जैसा फ्लेवर आता है इससे काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक। खटाई के लिए नींबू का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, आप चाहें तो अमचूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एक मीडियम साइज का नींबू बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा खट्टा भी अच्छा नहीं लगता है। पानी डालना है तो थोड़ा सा डालिए, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे तैयार हो गई मूंगफली और हरा धनिया पुदीने के साथ में बहुत ही शानदार सी चटनी, खट्टी है, स्पाइसी है, और मूंगफली का बहुत ही गजब का टेस्ट इसमें आ रहा है। यहाँ पे एक लोहे का तवा लिया है, और तवा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, पतला तवा नहीं होना चाहिए, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। थोड़ा सा तेल डालेंगे नाम का, यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, आप चाहें कोई दूसरा तेल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को चारों तरफ से फैला दीजिए, जितना बड़ा साइज रखना है उस हिसाब से दाल निकालनी है आपको। ये दाल आसानी से फैलती नहीं है, इसको इसी तरह से फैलाना पड़ता है। अगर इसको डोसे की तरह फैलाएंगे या चीले की तरह फैलाएंगे टूट जाएगी ये। मेरी मम्मी इसको हाथ से करती है, वो भी आपको करके दिखाऊंगा मैं आगे। इसका टेक्सचर अंदर से सॉफ्ट आता है और बाहर की तरफ से क्रिस्पी होता है, इसीलिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाया जाता है। हर दाल में प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन इस दाल के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आप कह सकते हैं दूध से भी ज़्यादा होती है। इसको पलट सकते हैं या नहीं पलट सकते हैं आपको इसको उठा के देखना पड़ेगा हल्का सा साइड में से। देखिए अभी पूरी तरह से पका नहीं है, थोड़ी देर और पकाएंगे इसको, हल्का सा स्टेबल हो जाएगा उसके बाद ही पलटी मारेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से गोल भी कर सकते हैं, किनारियां दबा दीजिए
फिर गोल भी हो जाएगा ये। वैसे गोल नहीं भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस तरह से मूव करना चाहिए, देखिए मूव कर रहा है ना, ये चिपका हुआ नहीं है बिल्कुल भी नीचे से। इसको फ्लिप करने से पहले थोड़ा सा ऑयल ऊपर की तरफ से भी डाल देंगे, जिससे इस साइड से भी बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अब केयरफुली बीचों बीच में पलटा इस तरह से लाना है और सावधानीपूर्वक इसको पलटना है। और ये देखिए कितना शानदार इसमें कलर आया है। गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत तेज़ होगी तो जलने लग जाता है। हल्का हल्का सा प्रेस कीजिए, इसको अच्छी तरह से पक जाता है। तो यहाँ पर टोटल मिला के 4 से 5 मिनट मुझे लगे हैं इसको पकाने के लिए। और ये देखिए कितनी शानदार चीज़ बन के तैयार है। और टिफ़िन में और ट्रैवलिंग के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसको ठंडा भी खाएंगे तो भी ये अच्छा लगता है खाने में। गर्म तो अच्छा लगता ही है, ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है। ट्रेडिशनली इसको हाथ से बनाया जाता है। हल्का सा हाथ गीले कर लीजिए और इस तरह से इसको फैलाया जाता है। अगर हाथों पे या लैडल पे चिपक रहा है तो हल्का सा हाथ गीला कर सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनता ये। तो चलिए शानदार सी डिश को सर्व कर लेते हैं। ये रही बेहतरीन सी चटनी और ये रहा हमारा चीला। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। इसको गर्म खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा और ठंडा खाएंगे तो और मज़ा आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। और अब ये मत कहना कि ये दाल कहाँ मिलेगी, ऑनलाइन का ज़माना है साहब, आप कोशिश करेंगे ज़रूर मिलेगी।